लड़के बातों खासकर उसको बूस्ट मिला है। छः साल से मूवी बन रही है, देखते हैं, बिना और इंतजार नहीं करते हम लोग। जी जनाब, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं मिस्टर एक्शन यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज़ैफ़ा, ये है इस्माइल। आप दोबारा नाम बोल सकते हैं अपना, बल्दी है तो वैसे बता दें आप है। क्या है आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल। जी जी, ये इस्माइल साहब हैं, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। हमारे जो क्या कहते हैं, एक नया एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से आ रही है मूवी, एक पाकिस्तान की बड़ी मूवी है, हाई बजट मूवी बनी हुई है, हाई बजटेड मूवी है ये। अच्छा स्केल है, बड़े स्केल पे मूवी बनाई गई है, ये कहते हैं। और इसको पहली दफ़ा कामरान शाहिद, जो हमारे एक एंकर हैं दुनिया न्यूज़ के, वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी में ऐसे डायरेक्टर आ रहे हैं, अपना डेब्यूट की मूवी है एज ए डायरेक्टर। प्रोडक्शन भी उनकी अपनी है, शायद फिल्म ये कहते हैं उसकी बैनर तले बनी है, उनकी भी प्रोडक्शन पे है। काफ़ी बड़ी कास्ट है, मिकाल जुल्फिकार, ये कहते हैं सोहेल अहमद, शफकत चीमा, शामू नबासी, पता नहीं बहुत सारी मजीद नाम है इनमें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी मूवी को। पहला हम रिएक्शन करने जा रहे हैं किसी पाकिस्तानी मूवी का, पहला रिएक्शन करने जा रहे हैं। बहुत खुशी है कि हमारी भी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, ऐसा ऐसा ग्रो कर रही है ऐसा। मौला लड़के बातों खासकर उसको बूस्ट मिला है। छः साल से मूवी बन रही है, देखते हैं, बिना इंतजार नहीं करते हम लोग। शायद फिल्म मंडी वाला एंटरटेनमेंट। आसमानों और खून के समंदर में मोहब्बत की एक दास्तान यही बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई। अच्छा, जीनत और निजाम खुदा मोहब्बत वाली लड़की है। इतना करीब आ जाओ कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से बच जाए, जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो। इंदिरा गांधी बनी हुई है। ये क्या, ये खूबसूरत थी आयशा उमर, सॉरी हो ये क्या बना हुआ सोहेल अहमद लेवल। सुखी से तेरे शहर के खाप में खाप भी हो जाए तो अब कोई खाप नहीं। ईद उल फितर पे आ रही है, ये 2023 ईद पे आ रही है, ईद पे अच्छी लग रही है। यार ज़रा कंफ्यूज थोड़ा सा मैं हो रहा हूँ स्केल वाइज। हाँ बड़ी मूवी है, इफेक्ट्स इसके कुछ काफ़ी सारे कुछ बुरे भी हैं लेकिन अक्सर अच्छे दिख रहे हैं मुझे। और ये बात भी है कि शिप्स वगैरह जितने भी हैं और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रियल इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। बड़ी बात ये है कि उस ज़माने के रियल हेलीकॉप्टर्स आर्मी से लेके, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था इसकी, उसे बता रहा था कि रियल इस्तेमाल किए गए हैं चीज़ें वीजें ना। और एक और बड़ी बात है, इसमें 8 गाने हैं इस फिल्म में, तो गाने शायद उस उसको गाने तो सुनने को ही नहीं मिला।
काफ़ी तारीफ हो रही थी गाने की, लेकिन जो उसको शूट किया गया ना तरीका यार इतनी, आई थिंक अब ये 6 साल से बन रही है या पता नहीं क्या सीन है, लेकिन जो क्वालिटी मुझे लग रही थी ना शूट, जो जिस तरह की पिक्चर क्वालिटी जो लग रही थी, इतनी तो अब ड्रामा भी नहीं होती, बहुत बुरी क्वालिटी लग रही थी पिक्चर की जो शूट होने वाली ना, कोई वो सिनेमैटिक कोई सिनेमाटोग्राफी वाली कोई उसमें नज़र नहीं आ रही मुझे ना, जो मुझे वो बहुत बुरी बात लग रही है। इफेक्ट्स इसके बारे में अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर ज़बरदस्त लग रहे हैं पाकिस्तानी मूवी के हिसाब से, लेकिन कुछ नीचे भी हैं, लेकिन जो लोग मूवी अगर अच्छी हो कहानी अच्छी हो तो इतना बंदा माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो उसके बीच में कोई होते ना कि एक सिनेमाटोग्राफी होती है, वो मुझे कहीं पे बहुत उसकी कमी लग रही है जो महसूस हो रही है। आपका क्या ख्याल है? सेम, बिल्कुल यही है, अबे फीका फीका सा लग रहा है मैं। ना फीके फीके इसके यार कोई रंग कुछ होता है, कुछ आप एक एक तरह की वो करते हो, कलराइजिंग करते हो, जो एज दिखा रहे हैं जो दौर ये दिखा रहे हैं उसमें तो तकरीबन यही सेम होता नहीं, है। नहीं यार क्या सीन है यार, जो कलर जो होता है ना कंट्रास्ट होता है वो बहुत इम्पोर्ट करता है, इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करता है काफ़ी सारा। हम डिफरेंट डिफरेंट आप देखो ना चीज़ों में, तो मूवीज़ में एक सिनेमाटोग्राफी होती है उसकी, उसका एक तरीका होता है, इसमें वो बहुत फीका लग रहा है। ये तो मुझे याद आ रहा है कि पुराने टाइप के जो हमारे आज से 10 साल पहले जो ड्रामे बनते रहे ना पाकिस्तानी, वो वाली पिक्चर क्वालिटी नहीं रही है। लेकिन मुझे इंटरेस्ट कर रही है थोड़ा सा जो इसका शूट किया गया है, चीज़ें वीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग आ रही थी, लेकिन जो जिस तरह बनाया गया तो पुरानी इंडियन फिल्मों की तरह लग रही है मुझे, तो जैसे गदर 2 नहीं वाली, वो वाली फील आ रही है, पता नहीं क्यों, गदर 2 वाली मुझे, गदर 2 आ रही है, वो सनी देओल की गदर मूवी, उसकी मुझे फील थोड़ी सी फील आ रही है कि काफ़ी उस तरह टाइप लग रहा है। लेकिन बहरहाल डिब्यूट डायरेक्टर हैं, क्या कह सकते हैं, अभी एक ट्रेलर है, इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, मतलब ये चीज़ें जो हमने खामियाँ खूबियाँ थी वो आई थिंक ये हमने बता दी हैं, सिर्फ इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये अच्छी लग रही है कि एक डिसेंट एक वॉच हो सकती है। अच्छा इनकी तो क्लैश कर रही है मूवीज़, आई थिंक ईद पे एक और मूवी भी आ रही है इनकी, वो पता नहीं MIB नाम है क्या नाम है, वो फैसल कुरैशी की डायरेक्ट की गई है, उसमें फवाद खान है, मिकाल जुल्फ़िकार उसमें भी है, मिकाल जुल्फ़िकार की दो मूवीज़ आएंगी इस बार ईद पे, ये मिकाल जुल्फ़िकार और उसका प्रोड्यूसर भी है उस मूवी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, पता नहीं MCB मूवी आ रही है, पता नहीं कौन सी वो है, नाम मुझे नहीं पता, M या B एंड में B है, वो एक बैंक हाइस्ट पे है, बहरहाल जनरल अलग हो जाता है इनका, क्योंकि ये पीरियड मूवी बन रही है, वो डिफरेंट काफ़ी अच्छी इस पर वाइब आ रही थी, बस जो प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी डाउन लग रही थी इसमें ना, और कुछ नहीं, वाइज ना के जो उर्दू बोली है उन्होंने, हाँ है ना, हाँ लुक्स वुक्स पे ये वो बहुत ज़्यादा ही उन्होंने वो ओवर दिखा दिया, इस तरह कहाँ होता है यार, जो टैंक पे बैठे हुए हैं गोलियाँ चला रहे हैं ये वो वगैरह पता नहीं क्या, उस पर मुझे बड़ी कमी लगी है। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, वो एंकर हैं, एक डायरेक्टर बन गए हैं, इसमें काफ़ी तो फ़र्क तो आना ही है ना चीज़ें वीज़ें में, लेकिन बहरहाल एक अच्छा स्टार्ट है, ऐसी मूवीज़ बनेंगी तो आगे बेहतरी आएगी चीज़ें वीज़ें, बट एक नाइस पार्ट हो सकती है, शायद इसको हम देख भी लें, कुछ पता नहीं, देख लेंगे कोई बात नहीं, अपना मार चीज़ें, ठीक है। बहरहाल आपको कैसा लगा आपको ट्रेलर, ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में, पाकिस्तानी काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तानी मूवीज़ आ रही हैं, इस बार अच्छी मूवीज़ काफ़ी सारी आ रही हैं, मुल्ला जट ने एक बार हाइड कर दी है, वो तो जाहिर बात है ना कि आपको जब शेर को खून लग जाता है ना तो वो बंदा और कुछ नहीं मांगता, वो एक मुल्ला जट ने जो एक बार सेट कर दिया ना, वो हॉलीवुड लेवल जो मैं कहता हूँ उन्होंने कमाल की जो कर दी थी ना, अब हमें शायद मुश्किल ही कुछ देखने को मिले उस लेवल का, तो आप मेरे ख्याल से डिमांड करना आप क्या कह सकते हैं, वो भी बड़ी मेहनत है पुरानी उनकी भी। बहरहाल जो भी है, जो भी इस कंटेंट आएगा उसको सपोर्ट, हमने अच्छी चीज़ को सपोर्ट ज़रूर करना है, और ये इसमें काफ़ी चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं, क्योंकि ये बड़े स्केल पे है, क्योंकि रियल शिप्स रियल और आर्मी से लेके उन्होंने मांग के उन्होंने हेलीकॉप्टर्स वगैरह टैंक्स वैंक्स सब कुछ यूज़ किया गया, हाँ हाई बजट है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, देखना ज़रूरी है। एक तो इस पर ढाका का जो दिखा रहे हैं बांग्लादेश की सेपरेशन हुई थी उसके बीच में कहानी चल रही है, उस अराउंड में एक रोमांटिक स्टोरी है जो बाकी रिवॉल्व कर रही है उसके सेपरेशन के दौरान, उसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो हमें देखने को मिलेंगी सारा। इंदिरा गांधी का भी रोल दिखाया जा रहा है इसमें, एक और भी पता नहीं है मुझे, पता नहीं पोलिटिकल का वो जो कर रहे हैं रोल प्ले, महमूद असलम साहब जो काफ़ी मशहूर हमारे यहाँ पे एक्टर हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जो शो मुझे इंटरेस्टिंग वो लग रहा है ज़रा, वो जो सोहेल अहमद बने हुए क्या बने हुए मुझे पता ही नहीं क्या, वो जो मैं थी कोई ना किसी उसका देखेंगे वो पता लगेगा रोल ज़्यादा अभी तो, लेकिन इंटरेस्टिंग काफ़ी लग रहा है, जो प्ले करते हैं ना वो हर चीज़ में जान डाल देते हैं, पहले ये तो है चीज़ें, आई थिंक इसमें सीरियस रोल प्ले कर रहे हैं शायद, कॉमेडी भी करेंगे बीच में रह नहीं सकते, कॉमेडी के बगैर। बहरहाल ये था हमारा रिव्यू, होपफुली आपको पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जैसे भाई कह रहे हैं वैसे आप करें, ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, सी यू, अस्सलाम वालेकुम।